नमस्कार दोस्तों, स्टे हेल्दी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, जिसे कोढ़ भी कहा जाता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है। यह रोग किसी को भी हो सकता है। कुष्ठ रोग दो तरह का होता है, असंक्रामक और संक्रामक। इस बीमारी से ग्रसित अंग सुन्न हो जाता है, साथ ही इस रोग में गले, नाक और त्वचा से कोढ़ के कीटाणु बनकर निकलते रहते हैं। दोस्तों, कोढ़ होने के अगर हमें कुछ सामान्य से लक्षण या कारण पता हो तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कोढ़ होने के कुछ लक्षण व कारण। पहला, घाव का ठीक ना हो पाना। दूसरा, घावों में से खून निकलता रहना। तीसरा, रोगी का धीरे धीरे अपाहिज होना। चौथा, रोगी के शरीर के अंगों का गलने लगना। पांचवा, घावों से हमेशा मवाद व पीप बहना। दोस्तों, इन लक्षण व कारणों पर ध्यान रखकर हम कोढ़ जैसी बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं और कुछ सामान्य से घरेलू उपाय अपनाकर इस बीमारी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कोढ़ के कुछ घरेलू उपचार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चने का सेवन करें। चने में मौजूद कोढ़ कुष्ठ रोग को समाप्त कर देते हैं। इसके लिए आप तरह तरह से चनों का सेवन करें। पानी में उबले चनों को खाते रहने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। तुलसी के पत्ते। तुलसी के 10 से 15 पत्तों को चबाते रहने से भी कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप तुलसी के पानी को कोढ़ से ग्रसित अंग पर लगाते रहें, जिससे कोढ़ के कीटाणु बढ़ना बंद हो जाते हैं। अनार के पत्ते। अनार के पत्तों को पीसकर उसका लेप बना लें और इस लेप को कोढ़ से ग्रसित अंग पर लगाते रहने से कोढ़ के घाव ठीक होने लगते हैं। जमीकंद। नियमित कुछ दिनों तक जमीकंद की बनी सब्जी का सेवन करते रहने से कोढ़ या कुष्ठ रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। फूल गोभी की सब्जी। लंबे समय तक रोज फूल गोभी से बनी सब्जी का सेवन करते रहने से कुष्ठ, चर्म रोग व खुजली आदि की समस्या ठीक हो जाती है। बथुआ। बथुआ का साग खाने से कुष्ठ रोग कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। हल्दी। पिसी हुई हल्दी 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम फांकी लेने से कुष्ठ रोग जल्दी ठीक हो जाता है। नीम। कुष्ठ रोग से ग्रसित इंसानों को नीम के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए और इसके अलावा नीम के तेल से अपने शरीर की मालिश रोज और लंबे समय तक करते रहें, फायदा मिलेगा। आंवला। 1 चम्मच आंवले के चूर्ण की सुबह शाम फंकी लेने से लाभ होता है। अरंडी। अरंडी के पत्ते पीसकर घावों पर लगाने से जल्द ही आराम मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए रोग व उसके उपचार के साथ। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्टी हेल्दी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।